ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का टॉपिक। और हमारे फिजिकल टेस्ट जो थे लेबोरेटरी वाले वो तो खत्म होने वाले हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी आज और कल मिलाकर मैं आपका ये टेस्ट खत्म कर दूं। उसके बाद हमारे सीमेंट में एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जाएगी, दो चार पॉइंट जाएंगे, जिसे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में आपको बताऊंगा, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करके अपना सीमेंट को फिनिश कर लेंगे। और आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा सीमेंट पढ़ के, क्योंकि आप अब आप कोई से भी क्वेश्चन उठाओ, मैं बोलता हूँ मैंने आपको SSC JEE पढ़ा है, बट मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ वहाँ पे ना IAS के क्वेश्चन उठा लो, आप फोड़ दोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जब मैं अपनी यूनिट एंड कर दूँ ना, तो आप IAS से क्वेश्चन उठा लेना और आप बोलोगे सर IAS से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गए, क्योंकि हमने IAS से भी थोड़ा डिटेल पढ़ा है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा रैंडम टॉपिक्स बाद ही पढ़ाऊंगा, कि इनकेस अगर आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी मतलब सीमेंट अच्छे से कंप्लीट करूंगा। तो हमारा एक तो ऑटोक्लेव टेस्ट बचा है वो मैं करके रहूंगा, उससे पहले मैं आप एक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक हमने ऐसे टेस्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली किसी बुक में मिल जाता है, एक तो नॉर्मली किसी बुक में मिल जाता है, पहली बात तो किसी बुक में वो आपको मिल जाएंगे, और दूसरा थोड़े फेमस होते हैं, जैसे साउंडनेस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट बच्चे बच्चे को पता है, साउंडनेस टेस्ट से क्वेश्चन आता है तो साउंडनेस टेस्ट पढ़ लो। हाँ, साउंडनेस टेस्ट में वो ऑटोक्लेव टेस्ट नहीं पढ़ता, साउंडनेस टेस्ट में वो ऑटोक्लेव टेस्ट नहीं पढ़ता, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में, छोटा सा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट नहीं पढ़ता, उसके बाद वो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट नहीं पढ़ता, फिर वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट नहीं पढ़ता है ना, फिर वो लॉस ऑन इग्निशन जो केमिकल टेस्ट होता है हमारा, ये टेस्ट नहीं पढ़ता। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग आगे कहां से निकलोगे, अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है तो आप कहां से आगे निकलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ है ना। स्पेसिफिक टेस्ट नहीं पढ़ता, हाइड्रेशन टेस्ट नहीं पड़ेगा, लॉस ऑन इग्निशन फिर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब होता क्या है कि देखो हम इतने दिन से टेस्ट पढ़ रहे हैं, और क्यों यार इतने दिन, मैंने तो आपको इस बार रेगुलरली, मेरे को लगता है कि मैंने अपना रेगुलरली लेक्चर दिया है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको इस वीक में 7 लेक्चर, वीक में 7 दिन या 6 दिन होते हैं, संडे को छोड़ दो, तो मैं आपको वीक में 7 लेक्चर से ज्यादा दे दूंगा, तो मैं तो रेगुलर था अपना, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं रेगुलर नहीं था इस बार, ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे टेस्ट में टाइम लगा, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर बड़ा लंबा खिंच रहा है, नहीं जरूरी है। अब अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है, अब मेरी बात सुनना, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अगर टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ेगा, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अगर टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ लेगा, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी भी पढ़ लेगा, कोई बात नहीं कंसिस्टेंसी भी पढ़ लेगा, उसके बाद वो आपका साउंडनेस भी पढ़ लेगा। ये 2 से 3 टेस्ट जो होते हैं ना, लोग बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, ये 2 से 3 टेस्ट बहुत लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी पढ़ लेगा, बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी पढ़ लेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक नॉर्मल स्टूडेंट जब तैयारी करने बैठता है, ये आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आपके 2 से 3 मिनट में वेस्ट करूंगा बट बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। एक नॉर्मल स्टूडेंट जब खुद से तैयारी करने बैठता है तो वो ये सारे टेस्ट करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी भी करता है, साउंडनेस टेस्ट भी करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करता है। बट अगर आपको ऐसा स्टूडेंट बनना है कि भैया मुझको तो हर एग्जाम फोड़ना है, एग्जाम फोड़ो स्टूडेंट पता क्या करता है, अब क्या होता है कि जैसे कि एक्सपेरिमेंट थोड़े अगर डिटेल में पढ़ाया तो लंबे लगने लग जाते हैं, थोड़े से बोरिंग लगने लग जाते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको बोरिंग लगा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग लगा था मुझे, बट आज का टॉपिक तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो एनआरसी भी है, क्योंकि जैसे ही टिपिकल टॉपिक आता है, पहली बात तो ये जो आपकी बुक देके रखी हुई है बीएमसी की कोर्स बुक, जो बीटेक या डिप्लोमा के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें टेस्ट गिवन ही नहीं है, उसमें टेस्ट आपका गिवन, उसमें 4-5 टेस्ट दे रखे हैं, उसमें वाला टेस्ट आपका गिवन होता ही नहीं है, ये टेस्ट गिवन नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम फोर्ड स्टूडेंट बनना है तो क्या होता है कि जब हम देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल बात आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत जरूरी बात है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं भुगत भोगी हूँ, जब मैं भी पढ़ता था तो ये मेरे ऊपर भी बीतती थी। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ये सारे टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, फिर इन सबको बाहर में जाने देते हैं। अगर आपको एग्जाम फोर्ड स्टूडेंट बनना है तो देखो, ये आपने एनर्जी से पढ़ ली है, आप मेरे साथ इन सब में भी एनर्जी लगाओ, आप मेरे साथ इन सब में भी एनर्जी लगाओ, जितनी एनर्जी आपने इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करने में लगाया है उससे ज्यादा एनर्जी आप इन सब में मेरे को लगाओ, फिर आप मुझे एक भी ऐसा एग्जाम बता देना कि क्वेश्चन आपका बाहर आ जाए,
क्यों क्वेश्चन बाहर आता है, क्यों क्वेश्चन बाहर से आपको लगता है, हम लोग इस पर एनर्जी लगा देते हैं, हम लोग इस पर एनर्जी नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ना ये टेस्ट कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं और ना आप इन टेस्ट के थोड़े जानकार होते हो। हम इन टेस्ट को इंटरेस्टिंग में हमें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन टेस्ट को कॉलेज में भी परफॉर्म कराया जाता है, लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कराया जाता है, और हम इन सारे टेस्ट के जानकार होते हैं और हम इन टेस्ट का नाम सुन चुके होते हैं, तो ये टेस्ट हमें लगते हैं बहुत इजी, ये टेस्ट हमें लगते हैं बहुत इजी, हम सोचते हैं कि चलो यार इजी टेस्ट है, पढ़ लेते हैं और आपको पढ़कर अच्छा लगता है। अगर मैं एक चीज बोलूं, मैं आपको एक हिंदी की कॉमिक्स दे दूं और एक तमिल की कॉमिक्स दे दूं, तो आप हिंदी की कॉमिक्स पढ़ोगे बता रहा हूं, क्योंकि आप बहुत उसको आसानी से पढ़ लोगे, बट अगर मैं तमिल की कॉमिक्स आपको दूंगा पढ़ने के लिए, मैगजीन दूंगा, तो तमिल की मैगजीन भी पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, उस पर दिखने में अच्छा लगेगा। वही एक बात है, आप अभी गूगल ट्रांसलेटर यूज करके सब कुछ अगर समझना चाहो या कुछ भी डिक्शनरी समझना चाहो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो क्या होता है कि हम हिंदी कॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें पढ़ावा होता है, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर करते हैं ना जो बच्चे, उन्हीं के आईपीएस के क्वेश्चन नहीं बन पाते या एसएससी जेल के क्वेश्चन नहीं बन पाते। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको कोई भी यूनिट आईपीएस लेवल पे पढ़ाऊंगा, कोई भी एक यूनिट जो होगी वो आईएएस लेवल पे पढ़ाऊंगा, पढ़ा मैं एसएससी जेल ले रहा हूं, बट मुझे पता है कि ये एसएससी जेल में इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, पैटर्न जैसे रीजन का आपने देखा होगा कि आईपीएस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, फिर उसके चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया, उसके चार ऑप्शन दे दिए, चार में से आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ऐसे हार्ड और टिपिकल क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन एसएससी जेल में नहीं आते। क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया, मैं आईपीएस की बात आपसे कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन का उसके चार ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, और फिर ऑप्शन नंबर वन दे दिया ए एंड सी करेक्ट, ए एंड बी करेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस आईपीएस में आते हैं, बट इन सारे ए बी सी डी में जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो एसएससी जेल लेवल वाला ही होता है, मतलब ए का कॉन्सेप्ट जो होगा, बी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, सी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, डी का कॉन्सेप्ट जो होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एसएससी जेल के भी पता रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आईपीएस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेल में नहीं आते, बट ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, ये चारों कॉन्सेप्ट लिखे होंगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एसएससी जेल के भी पता रहने चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक जितनी एनर्जी इसमें लगाई है, अगर एग्जाम बोर्ड स्टूडेंट बनना है तो इनमें भी उतनी एनर्जी लगाओ, ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक रेमेडी चालू करते हैं। ये मेरे को जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, ये हमारी एक मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं इतने दिन से एक टेस्ट पढ़ रहे हैं, इतने दिन से टेस्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 40% क्वेश्चन इन टेस्ट से आएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ 40% क्वेश्चन इन टेस्ट से आएंगे, इनके अप्रेटस से आएंगे, क्या कंटेंट है, क्या वाटर कंटेंट है, वैसे तो मैं आपको सब टिक करवा चुका हूँ ना, वैसे मैं आपको ए टू जेड चीजें टिक करवा चुका हूँ, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्पेशल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब एक ही चीज होती है, किसी भी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से कंपेयर करना। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, तो आप बोलोगे, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, तो आप सिंपल सी मुझे बहुत प्यारी सी बात बोलोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है किसी भी एक मटीरियल को दूसरे मटीरियल से कंपेयर करना। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक gravity is defined as, पहली बात तो specific gravity को हम कैसे कैसे represent करते हैं, first weight of substance by weight of reference, अभी बताता हूं हम specific gravity को हमेशा, specific gravity में हमेशा आपके दो substance होंगे या दो material होंगे, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम हमेशा कंपेयर करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, सुनते जाना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही है दो मटेरियल को कंपेयर करना और ये देखना कि कौन उनमें से दमदार है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे कि जब मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई थी, तो फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था फ्लोट और सिंक का, फ्लोट और सिंक का, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है आपका डूब जाना। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई मटेरियल आपका वुड है, कोई मटेरियल आपका वाटर है, कोई मटेरियल आपका आयरन है, तो इनमें से वुड और वाटर, वुड और आयरन, अगर ये आपका वुड का ब्लॉक है और ये आपका वुड है और ये आपका आयरन का ब्लॉक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करो।
अगर मैं आपसे बोलूं आप क्या करो, कुछ मत करो, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करो। अगर वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा हुई तो ये सिंक कर जाएगा, अगर वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम हुई तो ये फ्लोट करेगा। सेम इस एग्जांपल में ये, अगर आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मींस जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिससे ज्यादा होती है, मतलब हमेशा अगर मैं फ्लोट और सिंक की बात आपसे करूं तो जिसकी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो, अगर मान लो आयरन की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वाटर से, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी। अब मान लो आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से ज्यादा है, अगर आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा है तो आयरन डूब जाएगा, अगर आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम है तो हम इसको बोलेंगे कि फ्लोट करेगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, और अगर सेम होती है तो सेम अपनी जगह पर रहता है। अगर आप बोलोगे सर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सेम है, वुड की इसकी सेम है तो ये वुड अपनी इसी पोजीशन पर रहेगी, तैरेगी भी नहीं, बस एक जगह पर आइडल खड़ी रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है हमेशा कंपेयर करना। तो पहले मैंने लिख दिया वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, दूसरा मैं लिख रहा हूं मास ऑफ, अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100% बात है। मैं यहाँ पर अभी सीमेंट ले रहा हूँ तो मैं सब्सटेंस को यहाँ पर क्या रखूंगा, सीमेंट रखूंगा, और रेफरेंस सब्सटेंस क्या रखूंगा, मैं वाटर रखूंगा। नहीं जी, मैं वाटर नहीं रखूंगा यहाँ पर। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करता हूँ दूसरे मटेरियल्स की तो मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पर वाटर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इतना ज्यादा। बट अगर मैंने सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करी, सबसे पहली बात तो वेट ऑफ सब्सटेंस से सबसे अच्छा मैं लिखता हूं वेट ऑफ सीमेंट, अब वेट ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। मैक्सिमम टाइम हम वाटर को यूज करते हैं, हम वाटर को उस जगह यूज करेंगे जहां पर वाटर मिक्स या रिएक्ट नहीं करेगा, हम वाटर को रेफरेंस सब्सटेंस वहां लगता है जहां पर वो सब वाटर उसको रिएक्ट नहीं करता है। बट अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट के केस में अगर आपने रेफरेंस सब्जेक्ट वाटर ले लिया, अगर सीमेंट के केस में आपने रेफरेंस सब्जेक्ट सब्सटेंस सॉरी रेफरेंस सब्सटेंस अगर वाटर ले लिया तो सीमेंट और वाटर रिएक्ट कर जाता है, फिर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर रेफरेंस सब्सटेंस हमेशा ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पर रेफरेंस सब्जेक्ट हमेशा सब्सटेंस ऐसा लिखेंगे जो कि ऊपर वाले से रिएक्ट ना हो, और इस केस में मैं वाटर नहीं ले सकता क्योंकि सीमेंट तो वाटर के मतलब साथ, जैसे सीमेंट वाटर के साथ आया उसके साथ उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमें एक यहाँ पर ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो हमें यहाँ पर एक मटेरियल ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी रिएक्शन सीमेंट के साथ नहीं हो, और वो मटीरियल होता है केरोसिन। केरोसिन जानते होगा मिट्टी का तेल, केरोसिन। अब मैं आ चुका हूं डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट में, That means, मैं फाइंड करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। मैं क्यों फाइंड करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्या कारण है, क्या reasons है, क्या मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड करने का, क्या दर्शाता है, क्या बताता है, क्या वो पहचान कराएगा कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड करो तो क्या उसके फायदे हैं। तो सारे फायदे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता लग चुका है वेट ऑफ सीमेंट, और भी लिख सकते हैं मास ऑफ सीमेंट बाय मास ऑफ केरोसिन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट बाय डेंसिटी ऑफ केरोसिन, डेंसिटी ऑफ केरोसिन। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, उनमें तो आप एक्सपर्ट हो, बड़े शार्प स्टूडेंट हो आप, ये मिटा देता हूं मैं। बट इन सबकी कंडीशन है, चाहे आप वेट ऑफ सीमेंट डिवाइड करो, चाहे वेट ऑफ केरोसिन डिवाइड करो, चाहे कुछ भी आप डिवाइड करो, इन सब में वॉल्यूम हमेशा सेम होना चाहिए, सेम वॉल्यूम। अगर आप वेट ऑफ सीमेंट को वेट ऑफ केरोसिन से डिवाइड करोगे तो कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो वॉल्यूम आप ले रहे हो, जो वॉल्यूम आपने सीमेंट का लिया है वही वॉल्यूम आप केरोसिन का लोगे, जो वॉल्यूम अगर आप मास की बात कर रहे हो तो जो मास आपने सीमेंट का लिया है सॉरी जो वॉल्यूम आपने सीमेंट का लिया है वही वॉल्यूम आप केरोसिन का लोगे, और जो वॉल्यूम आपने डेंसिटी के लिए, सब समझ के, ये सारे कंडीशंस तभी वैलिड है जब इन दोनों के वॉल्यूम सेम हो, इन दोनों के वॉल्यूम सेम हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तीनों के वॉल्यूम आपके सेम होने चाहिए, तीनों के वॉल्यूम आपके सेम होने चाहिए। अगर इनके वॉल्यूम अगर आपके सेम नहीं हुए, अगर इनके वॉल्यूम आपके सेम नहीं हुआ तो फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अब दिक्कत ये आती है
कि स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड क्यों करी जाती है स्पेशली सीमेंट की। चलो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं कि चलो कौन सबमर्ज हो रहा है कौन सबमर्ज नहीं हो रहा है, वो सारी चीज हम चेक करने के लिए कर लेते हैं, कौन डूब रहा है कौन तैर रहा है कौन अपनी पोजिशन पर है, उन सारी चीजों को चेक करने के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन कर लेते हैं, उन सब चीजों को हम डिटरमाइन कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर लेंगे। तो व्हाट इज द नीड फॉर द कैलकुलेशन और द डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। हम अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करने की? सबसे पहली बात, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में सबसे पहली बात, सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किस पर परफॉर्म कराया? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। तो अगर मैं आपसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछूं कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 3.1 to 3.16 ग्राम पर सीसी। अगर मैं आपसे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछू जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो उसकी रेंज होती है 3.1 ग्राम पर सीसी। ध्यान से सुनना, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑन एवरेज वी टेक 3.15 ग्राम पर सीसी। तो ये आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेते हो, ऑन एवरेज वी टेक 3.15 ग्राम पर सीसी, हम ये चीज आपकी ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो हम सीमेंट पर कंडक्ट करते हैं, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, सीमेंट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्यों कंडक्ट कराया जाता है? क्योंकि अगर एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करा गया है या फिर उसकी प्रिपरेशन करी गई है या उसकी पैकिंग करी गई है, ध्यान सुनना, अच्छे से उसको बना लिया आपने, पैकिंग कर लिया आपने, बैग के अंदर अच्छे से फिल कर दिया आपने, अगर सब कुछ आपने सीमेंट का प्रोसेस बहुत परफेक्टली करा है, तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आती है? 3.15। स्पेशली वी कंडक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये चेक करते हैं कहीं सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 से ज्यादा तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर सीमेंट जो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने सीमेंट की फाइंड करी, अगर वो 3.15 से ज्यादा आ गई, तो दैट मींस आपके सीमेंट में दो प्रॉब्लम्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट दो चीजों को दर्शाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो चीजों को दर्शाता है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, इन केस इफ इन एनी सीमेंट यू फाउंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 3.15 ग्राम पर सीसी, तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी भी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा इसका, अभी पूरे थोड़ी देर में मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, किस तरीके से परफॉर्म होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ए टू जेड। तो अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, आप मुझे बस ये बता दो कि अगर किसी भी सीमेंट, कम तो आएगी ज्यादा आएगी, हमेशा ये टेस्ट हमेशा परफॉर्म कराया था ये देखने के लिए कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा तो नहीं है, कम से हमें कोई मतलब नहीं बनता, बट ज्यादा आ गई दैट मींस हम ये टेस्ट चेक करेंगे कि अगर हमारी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.1 से 3.15 या 16 तक आएगी तो चलेगा, बट अगर इनकेस इमेजिन करो आपकी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैं इस बटन से लिखता हूं, if we conduct specific gravity test on any cement, अभी टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा वो मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा, आप इमेजिन करो, अभी मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर इसका बता दूंगा कैसे क्या सॉल्व होगा। बस मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, if we conduct a specific gravity test on any cement and we found specific gravity comes to 3.19 gram per cc, अब ध्यान से देखना, देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना,
जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। देखो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, शायद ही बुक्स में लिखी भी रहती है, मुझे नहीं पता, मैं बुक्स फॉलो नहीं करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये बुक्स में लिखी हुई ये चीज है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लेना कि अगर हमने सीमेंट के टेस्ट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कंडक्ट, अगर हमने सीमेंट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कंडक्ट करा, जनरली हमारी सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 ग्राम पर सीसी होती है, ये इसको वन स्टार टिक कर लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, और इसको भी वन स्टार टिक कर लो, वन स्टार, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बता दो कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी टेस्ट में आपने कंडक्ट करी और 3.19 ग्राम पर सीसी आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हुए, ये दो चीजें दर्शाता है, मॉइस्चर कंटेंट इन सीमेंट। अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 आ गई, अगर आपकी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 आ गई, तो ये दो चीजों को दर्शाएगा, एक तो मॉइस्चर कंटेंट इन सीमेंट, सीमेंट के अंदर मॉइस्चर है, और दूसरा सीमेंट की ग्राइंडिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं हुई, सीमेंट की ग्राइंडिंग अच्छे से नहीं। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्यों कंडक्ट करा जाता है, व्हाई वी कंडक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑन सीमेंट, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्या पानी तो नहीं है सीमेंट के अंदर? जो सीमेंट में कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाला हूं, जो कंस्ट्रक्शन में मैं सीमेंट यूज करने वाला हूं, अगर उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर हुआ, अगर उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर हुआ, अरे जो सीमेंट मैं यूज करने वाला हूं, अगर उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर कंटेंट हो गया, अगर उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर कंटेंट हो गया, तो दैट मीन्स पहले ही हाइड्रेशन प्रोसेस हो चुका होगा। दैट मीन्स अभी सीमेंट, मान लो मेरा सीमेंट गाड़ी के अंदर है, मैं उसको एक साइड पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेके जा रहा हूं, मैं सीमेंट को मेरी गाड़ियों में सीमेंट रखा हुआ है, या मेरे बेचिंग प्लांट में मेरा सीमेंट रखा हुआ है, बट अभी तक मैं उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। आपने सीमेंट को बेचिंग प्लांट में रख दिया, बेचिंग प्लांट जहां पर आपका कंक्रीट प्रिपेयर होता है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड पर कर रहे हो, तो रोड पर कंक्रीट प्रिपेयर करने की जगह नहीं होती, तो रोड के नियर बाई हम एक बड़ा सा एरिया देखते हैं, और उस एरिया पर हम अपना पूरा प्लांट लगाते हैं कंक्रीट का, उसको हम बोलते हैं बेचिंग प्लांट। उस बेचिंग प्लांट में आपके बैग्स रखे हुए हैं, तो उन बैग्स को अभी आपने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करा, बट उन बैग्स की कंडीशन को यूज करने के लिए मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट यूज करूंगा, क्योंकि अभी तो आपके सीमेंट बैग्स बेचिंग प्लांट में रखे हुए हैं, अभी तो आपके सीमेंट बैग्स बेचिंग प्लांट में रखे हुए हैं, अभी तो आपके सीमेंट प्लांट्स बेचिंग प्लांट में रखे हुए हैं, और अभी आपने उन सीमेंट को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने के लिए साइड पे लेके नहीं गए हो, और अगर अभी से उसके अंदर मॉइस्चर आ गई तो हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, अभी से अगर अंदर उसके अंदर मॉइस्चर आ गई तो हाइड्रेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा, और हाइड्रेशन प्रोसेस आपका हो गया तो दैट मींस पहले ही सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ दे चुका होगा, और वो स्ट्रेंथ आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज नहीं कर पाओगे। अगर पहले ही सीमेंट में मॉइस्चर आ गई तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस हो गया होगा, और वो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ देके लम्स बना लिया होगा, लम्स मतलब छोटे छोटे से पत्थर जो होते हैं ना, थोड़ा हमारे राजस्थान में बोलते हैं भाटे बन गए ना, थोड़े थोड़े से लम्स बन जाएंगे आपके। तो दैट मींस जो सीमेंट आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, आप फ्लाईओवर बना रहे थे रोड पर, जो सीमेंट आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करना था, जो सीमेंट आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करना था फॉर स्ट्रेंथ, वो तो पहले ही बैचिंग प्लांट में हाइड्रेशन प्रोसेस उसमें हो गया और लम्स बन गए। अब उन लम्स की स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट में नहीं आएगी, तो आप सोच रहे हो जो लम्स बन गए, अरे सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ दे चुका है, क्या कंक्रीट में यूज करोगे सीमेंट को, वो तो पहले भी स्ट्रेंथ दे चुका है, तो अब उस चीज को आप अपनी साइट पर यूज नहीं कर पाओगे, अब आप उस सीमेंट को अपनी साइट पर यूज नहीं कर पाओगे, अब आप अपनी साइट पर उसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो ये हमारी जानकारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपकी 3.15 से ज्यादा आ गई, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 3.15 से ज्यादा आ गई, तो समझ जाना पहला तो उसका मॉइस्चर है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि देखो क्या होता है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको ग्राइंड करते हैं, चूरा बनाते हैं उसका, जितना ज्यादा सीमेंट ज्यादा ग्राइंड होगा उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रेंथ देता है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ देता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अपनी जल्दी स्ट्रेंथ देता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्ट्रेंथ जल्दी देता है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पॉटलैंड सीमेंट, क्यों देता है? क्योंकि इसकी ग्राइंडिंग ज्यादा होती है, ये एक रीजन है, ये आईईएस में आता है,
कि वाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गिव अर्ली स्ट्रेंथ. अगर मैं सोचू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ का रीजन क्या है, तो एक रीजन क्या है ग्राइंडिंग, दूसरा रीजन क्या है हाई टेम्परेचर पे बर्न करना इसको. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने पर बर्न होता है 1400 से 1500, और रैपिड हार्डनिंग कितने पे बर्न होता है 1600 पर. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 1400-1500 की रेंज में नहीं होता, उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न करते हैं. तो रैपिड हार्डनिंग का भैया ग्राइंडिंग ज्यादा हो या हाई टेम्परेचर आपका ज्यादा हो तो जाकर इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है. तो ध्यान रखना अगर आपकी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है तो उसके दो रीजन होते हैं, एक तो आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और दूसरा सीमेंट की ग्राइंडिंग आपकी अच्छे से नहीं हुई है. इसको लिखो, अब आप इसको लिख लो, इसके बाद मैं आपको पूरा पूरा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाता हूं किस तरीके से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को परफॉर्म करते हो. लिखो इसको फटाफट, फिर हम इसे प्रोसीजर चालू करते हैं.